हाँ तो दोस्तों, हम आए हैं हमारे मकई के खेत में। हाँ तो दोस्तों, खेत में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि जो हमारे 1 से 1.5 महीने की जो मकई थी, उसके अंदर लट लगना स्टार्ट हो गई। हाँ तो दोस्तों, जो मकई के अंदर जो लट लगती है वो इसके पत्ते पे नहीं लगती, जो इसका जो मेन तना होता है उसके अंदर लगती है। तो जैसे कि ये जो 1 महीने की जो अपनी मकई है, आप देख सकते हो ये पूरा खेत है, तो इसका जो अभी तना है वो भी काफ़ी छोटा है। तो छोटे के अंदर जो लट लगेगी, तो यानी जब तक अपनी मकई इतनी बड़ी होगी तब तक वो लट उसी के अंदर रहेगी और उससे अंदर से खाना स्टार्ट कर देगी और पूरा खोखला कर देगी। तो उससे क्या होगा कि जो अपनी जो मकई है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही हमें पता चला कि अपनी मकई के अंदर लट है, तो उसके बाद में मैं जो मार्केट से एक स्प्रे लेके आया था, वो स्प्रे हमने इसके अंदर किए और आपको दिखाते हैं उसके बाद का क्या रिजल्ट रहा। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो हमारी मकई है इसके अंदर लट लगी। आप देख सकते हो ये जो तना है, ये मक्का का जो पौधा है वो नीचे से पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है और जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा मुरझा गया। तो मुरझाने का कारण ये जो इसके अंदर का हिस्सा है, इसके अंदर लग सकता है। हाँ तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो अपने जो तना है उसके अंदर जो लट लगी हुई है, तो उससे क्या होगा, जो भुट्टे लगेंगे ना इसके अंदर, तो वो भी उसको भी डैमेज कर देगी। जो इसके अंदर से भुट्टे निकलना स्टार्ट होंगे तो उनको भी ये ख़राब करना स्टार्ट कर देगी। तो उसके लिए हम एक ऐसी स्प्रे लेके आए, वो स्प्रे हमने इसमें की है और 24 घंटे के अंदर उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने दिखाते हैं हम कि वो किसका काम करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमने स्प्रे की थी वो दवाई ये है, जिसका नाम है 1K56। यानी ये पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, 1K56 के नाम से ये दवाई लेके आया था मैं। और इसको तकरीबन मैंने 24 घंटे पहले यानी कल 4 बजे के आसपास इसके अंदर मैंने छिड़काव किया था। और छिड़काव करने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं जिस प्रकार से जो तने के अंदर जो लटे लगी हुई थी वो पूरी तरीके से बाहर आना स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मरना भी स्टार्ट हो चुकी है, और यानी को काफ़ी फायदेमंद दवाई है। दूसरा, इसके साथ में जो मैंने एक स्प्रे किया था वो इसका किया था, ये आप देख सकते हो, ये एक लेमिनेटर के नाम से एक गोंद आता है, ये इस दवाई के अंदर मिलाने से फ़ायदा होता है कि जिसे जो अपने स्प्रे करेंगे तो वो जो दवाई होती है वो तने के अच्छे से अंदर चली जावे और जो पत्ते होते हैं उससे अच्छे से चिपकी हुई रहे, तो इससे क्या है कि बीमारियां नहीं होती है। तो इसलिए ये गोंद डालना पड़ता है इसके साथ में, तो ये काफ़ी फायदा होता है। आप देख सकते हो किसान साथियों, जो हमने रात को स्प्रे किया था, स्प्रे करने के बाद कुछ इस प्रकार से पौधे के अंदर से ये लगते बाहर आना स्टार्ट हो गई है, ये पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पूरी खत्म हो चुकी है। हाँ तो दोस्तों, हमने 1K56 का जो हमने इसके अंदर स्प्रे किया था, स्प्रे करने के बाद में हमने जो रिजल्ट पाया है, यानी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, जो कि आप देख सकते हो। आपको हमने बताया कि जैसे लट्टे बाहर आ रही है, तो आप भी अपनी मकई के अंदर इसी दवाई का स्प्रे कर सकते हो, आपके नज़दीकी शॉप से आप प्राप्त कर सकते हो इसको। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे किसी भाई का कमेंट आया था कि आप अपनी सब्जियों के अंदर दवाई का स्प्रे करते हैं और जो अपनी फसल होती है उसमें दवाई का स्प्रे करते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर अपने को जैसे बुखार आ जाती है तो अपन भी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो फसल है इसके अंदर जो हल्की फुल्की बीमारी होती है उसके अंदर अपने को भी स्प्रे करना पड़ता है, तो इससे अपने को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो अपनी फसल है वो बीमार होगी और ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए अपने को स्प्रे करना ही पड़ता है इसके अंदर। हाँ तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।